लूट की चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर महज एक टूल किट लूटने के लिए बदमाशों ने यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि लूट की ये चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जब महज एक टूल किट लूटने के लिए दो बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। जिस समय यह घटना घटी, उस समय पीड़ित की पत्नी भी बाइक पर उसके साथ थी। वहीं हैरानी की बात यह है कि लुटेरों ने मोबाइल और पर्स वहीं फेंक दिया और टूल किट लूट कर चले गए। वारदात गाजियाबाद के थाना मधुबन बाबूधाम क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार पीड़ित अपनी पत्नी के साथ गांव जा रहा था। इसी दौरान एक बाइक पर दो बदमाश आए और पीड़ित की कनपट्टी पर तमंचा रखकर लूट की कोशिश की। वहीं विरोध करने पर गोली भी चला दी, जिसके चलते पीड़ित घायल हो गया। जिसके बाद बदमाशों ने पीड़ित की टूल किट, मोबाइल और पर्स लूट लिया, लेकिन मोबाइल और पर्स वहीं फेंक दिया और टूल किट लेकर चले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उन्होंने मेरे को रस्ते में पकड़ा और मेरे साथ लूट लपाट करी और मेरे को गोली मार दी। गोली से तो मैंने जैसे मारा था तो मैंने उसका हथियार पकड़ लिया, तो मेरे को बस कंधे से छूट निकल गई। और बाकी जो है वो लूट पीट कर रहे, मोबाइल वगैरह अपन तो छीने थे, लेकिन बाद में वो फेंक दी। मेरा स्कूल बैग था उसको ले गए। हमला करने वाले कितने लोग थे? दो जने थे। आप कहाँ जा रहे थे जब ये आप पर हमला हुआ? मैं दुबई से निकल कर अपने गाँव जा रहा हूँ सुल्तानपुर। लूट के समय की वारदात आपने बताइए, तो आपसे क्या क्या चीज़ लूट हुई है? सर बाकी उन्होंने मोबाइल और पर्स वगैरह छीने थे, वो तो मेरे फेंक दिए वापस, लेकिन मेरे टूल बैग थे, मेरे बाइक के पेपर और मेरे ऑफिस के पेपर वगैरह और टूल वगैरह थे उसको ले गए। हम यहाँ से ड्यूटी से घर जा रहे थे, ये वॉशरूम के लिए वहाँ पर रुके। पता नहीं कहाँ से वो एकदम से दो जने आए और मेरी कनपट्टी पर कट्टा रख के अंदर हमारी बाइक को, हमारे सामान सीट के अंदर एक खड्डे से ले गए। वहाँ पर सारा सामान हमारा छीना, फिर बाद में इनसे हाथापाई की, गोली मारी और इनका टूल किट का पूरा बैग उठा के लेकर बड़ा मोबाइल पर्स सब वही फेंक के चले गए। थाना क्षेत्र मधुबन बाबूधाम के अंतर्गत दुहाई को जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक युवक मोहित चौधरी अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहे थे। इस दौरान दो अज्ञात युवकों द्वारा इनसे इनका बैग छीना गया, जिसमें विरोध करने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा अवैध शस्त्र से इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिससे इनको चोट आई। थाना पुलिस ने तत्काल जैसे ही जानकारी हुई तत्काल ही मौके पहुंच के इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। ये अभी स्वस्थ हैं, अपना उपचार करा रहे हैं। इनके द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अज्ञात लुटेरों की तलाश हेतु टीम गठित की गई है।